कहता है टू मेटालिक आइडेंटिकल वायर्स हैं, हम लोग पास दो मेटालिक वायर हैं कनेक्टेड इन सीरीज, टू मेटालिक आइडेंटिकल डायमेंशन इक्वल है और उसको सीरीज में है, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल रिस्पेक्टिवली, द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। टू मेटालिक वायर है, चलो एक मैंने मेटालिक वायर ऐसे ले लिया, ये वाला समझने की कोशिश करना कि एक मेटालिक वायर मैं इधर से ले लिया, ये मेटालिक वायर है और इस मेटालिक वायर की कंडक्टिविटी सिग्मा वन है और दूसरा मेटालिक वायर है इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा टू है, बराबर है सबको। आर कन टू मेटालिक आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन दोनों को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दिया, चलो तो ये मैंने ज्वाइंट कर दिया इनको और यहाँ से मैंने ये ज्वाइंट कर दिया, तो इस पूरे वायर की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो सिग्मा है, तो इस सिग्मा की कैलकुलेशन हम लोग को करनी है। अब देखो यहाँ पर देखना डायमेंशंस, आइडेंटिकल डायमेंशन, आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है तो इसका भी ए है, इसका लेंथ एल है तो इसका लेंथ एल है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर वन है तो इसका रेजिस्टेंस मैं आर टू बोल देता हूँ, क्योंकि सिग्मा वन सिग्मा टू अलग अलग है तो रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, बट जो कंडक्टिविटी होती है बच्चों, कंडक्टिविटी सिग्मा वन अपॉन रो की वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर है। तो वन अपॉन रो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन रो, तो यहां से जो रो की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन सिग्मा आ जाएगी ये। तो यहां से अगर मैं इस फार्मूले को लिखूं तो आर इज इक्वल टू एल सिग्मा ए ये वाली, ठीक है। रो रो आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, और सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है, ये सब वो सब आप पढ़े होंगे, सिग्मा कंडक्टिविटी या रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर मैं आर वन के लिए लगाऊं तो आर वन के लिए तो एल सिग्मा वन ए आ गया, और दूसरे वायर के लिए लगाऊं तो आर टू इज इक्वल टू एल और सिग्मा टू ए आ गया, क्लियर है। और अगर मैं दोनों के लिए दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, बराबर है। तो अगर आर वन प्लस आर टू आ गया तो फाइनली अगर तुम देखोगे तो ये इसके लिए लगाओगे पूरे इसके लिए तो एल लेंथ कितना आ जाएगा बोलो, टू एल। आर क्या है, इस पूरे मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस, तो इसकी लेंथ एल थी, इसकी लेंथ एल थी तो इसकी टू एल आ जाएगी यार, बराबर है सबको। तो ये टू एल और सिग्मा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एरिया क्रॉस सेक्शन यही रहेगा, और दैट इज इक्वल टू एल सिग्मा वन ए प्लस एल दैट इज सिग्मा टू ए। तो फाइनली अगर मैं इसको एल अपान ए कैंसिल हो गया तो टू अपान सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी वन अपान सिग्मा वन प्लस वन अपान सिग्मा टू, मतलब सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इज डिवाइडेड बाई सिग्मा वन सिग्मा टू। तो फाइनली जो सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू टू टाइम्स सिग्मा वन सिग्मा टू और सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू के सम के इक्वल होगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दैट इज अगर इस हिसाब से देखोगे प्यारे बच्चों तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट वीडियो।